हेलो एवरीवन uh, स्वागत है सभी का सी बी एस सी टी पॉइंट में अपना नया लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं सी बी uh, एस सी का जो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी टी लाइन बाई लाइन पार्ट फोर है ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लिए थे जीरो ऑर्डर का आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से देखते हैं यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन मान लेते हैं कोई रिएक्शन आर से पी है क्या है आर से पी तो रेट इसका क्या हमने बोला था जिसका लिखते हैं मतलब रिएक्टेंट का तो रेट क्या माइनस डी आर बाई डी टी बाई डी इज इक्वल टू तो के आर क्यों आर की पावर वन होगा ना भाई आर की पावर वन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेट अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो हम लिख क्या सकते हैं इसको डी आर अपॉन आर इज

आर बराबर आर नॉट वेर और आर नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या है, आर क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी में 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 रख देते हैं हैं ये हम मान लेते यहां के लिए इस में करेंगे। इस में करेंगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल एन आर नॉट इज इक्वल टू आर इसकी वैल्यू इसी में सब्सिट्यूट कर देंगे तो एक इक्वेशन हमारी बन रही ln एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट ये इक्वेशन नंबर टू है दिस इज इक्वेशन नंबर मतलब क्या समझ में आया कि अगर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट के बराबर है आगे हम देखते हैं आगे हम बात करते हैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं क्या दिस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर करते हैं एल तो एन एल एन आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा क्या आ जाएगा एल एन आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू के टी या फिर हम के की वैल्यू निकाल लेंगे है? देखते हैं अब इसकी वैल्यू के की पुट कर दें। तो अगर अच्छा उस इक्वेशन में अगर हम टी टी वन टाइम मान लेते हैं अब मान लेते हैं कि रिएक्शन टी वन पे थी तो एल एन आर वन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट T2 पे ln R2 kt ln R0, where R1 and R2 are the concentration of the reactant at time T1 and time T2. मतलब क्या? अलग-अलग दो टाइम पे वो दोनों इक्वेशन बन जा रही है respectively. अब इसकी वैल्यू उसमें सब्सटिट्यूट कर देते हैं, तो हम देखते हैं सब सब्ट्रैक करने के बाद, सब्ट्रैक करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? ln R1 minus ln R2 is equal to minus kt1 पैकेट में माइनस के टू क्योंकि माइनस कर रहे हैं यहाँ पे के वैल्यू एक आ गई अगर दो टाइम पीरियड के बीच निकालना क्या वन अपॉन टी टू माइनस टी वन एल एन आर वन अपॉन आर टू आ गई देते हैं इक्वेशन थ्री पॉइंट नाइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू के टी क्या एल एन आर इज अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू के टी टेकिंग अब यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं क्या ले लेते हैं लॉग

मतलब ग्राफ अगर हम बनाए एल एन आर वर्सेस टी के वर्सेज टी के वैल्यू आएगी माइनस के एंडल एन आर नॉट क्या जाएगी, क्या आ जाएगी इंटरसेप्ट आ जाएगा द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन फ्रॉम आल्सो कैन बी रिटन एज की वैल्यू हम रख दिए टू पॉइंट थ्री जीरो लॉग नेचुरल लॉग में तो अगर हमको एल एन से लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से यही तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर कर दिए ए की वैल्यू क्या आ गई 2.303 पॉइंट अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर लॉग आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई के टी अपॉन 2.303 पॉइंट यहाँ से इक्वेशन इंपॉर्टेंट है रेट कांस्टेंट निकालने के लिए अब आ, इसका ग्राफ हम देख लेते हैं अच्छा अब दो ग्राफ है पहले इसके बीच किसके किसके बीच में इस बार ग्राफ जो बनेगा आर आर अपॉन आर लॉग नॉट टाइम तो स्लोप आ जाएगी इसकी, के इसकी के इस इक्वल टू थी थी। इसमें दोनों ग्राफ पूछा जाएगा बार बार बच्चों बोलो इसमें हो सकता है बोर्ड में दोनों ग्राफ पूछ ले किसके वर्सेस बस ध्यान रखना है इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन क्या है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने बताया था रेट ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वैल्यू है 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 क्या है? है. क्या 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 ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल तो से रेट रेट आ आ जाएगा जाएगा क्योंकि हम किसको लिखते रेडियो डीके नोट करिए इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाई द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब जितने भी नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन शो करते हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर नोट कर लीजिए यही आता है एग्जाम में कि राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो क्या लिखेंगे ऑल नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर टेक्स प्लेस बाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आगे की बात करते हैं आगे हम बात करते हैं अच्छा ये दोनों का ग्राफ जो अभी हम बताए थे प्लीज वेरी वेरी तो हम स्लोप की वैल्यू क्या माइनस में माइनस यहाँ पे अगर इसका इस सेकंड वाले ग्राफ की बात करूं लॉग आर नॉट अपॉन आर ये किसका लॉग आर अपॉन आर नॉट की वैल्यू आर नॉट अपॉन आर, आर में वर्सेज टाइम तो स्ट्रेट लाइन अब तो इसका स्लोप क्या के स्लोप क्या आएगा के अपॉन 2.303 के अपॉन 2.303 हो सकता है दोनों ग्राफ में आपसे क्या पूछ ले स्लोप की वैल्यू पूछ ले क्या पूछ ले स्लोप की वैल्यू ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है प्लीज इसको अच्छे से आप करके जाइएगा आगे आगे हम बात करते हैं हम अच्छा एक रेडियो एक्टिव का इक्वेशन है ये कोई रिएक्शंस है इसका रेट क्या लिखेंगे इन टू आर ए रेडियम दम्पोजिशन ऑफ एन टू ओ फाइव एंड एन टू आर सम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डरपल है किसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर का आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कंफर्म आता है एक नंबर का आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल एक, थ्री पॉइंट फाइव क्या है एग्जाम्पल थ्री पॉइंट फाइव क्या है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव क्या है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दिया है क्या है फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन टू ओ फाइव से टू एन ओ टू प्लस हाफ ओ टू बनता है वाज इतना मोल पर लीटर क्या दिया है आपको इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया है एट थ्री हंड्रेड एटीन केल्विन कंसंट्रेशन ऑफ एन आफ्टर साठ मिनट सिक्सटी मिनट वॉज इतना क्या दिया है आपको कंसेंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन सिंपल क्या निकालना है के निकालना है क्या निकालना है के निकालना है, है? किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हम इक्वेशन क्या जानते हैं अभी यही तो पढ़ा है तो पढ़ाए सेकेंड टाइम के लिए मतलब इनिशियल और फाइनल वन का मतलब इनिशियल टू का मतलब फाइनल के टू के टी टू माइनस टी वन अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री यहाँ पे के निकालना है हमको यहाँ से के निकालना है तो हम के को लिख सकते हैं के इज इक्वल टू लॉग आर वन अपॉन आर टू फोर मल्टीप्लाई में यहाँ पे टू पॉइंट थ्री जीरो लिख सकते हैं ना यहाँ से अब वैल्यू पुट कर देना है साठ मिनट से जीरो मिनट माइनस क्या कर दिए ये तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर मिनट इनवर्स मतलब क्या के यहाँ मिनट इनवर्स क्योंकि यहाँ की वैल्यू क्या दिया मिनट में दिया है ठीक है के की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग करके जाइएगा बेहतरीन क्वेश्चन था आगे हम देखते हैं अच्छा कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं लेट अस कंसीडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन लेट अच्छा अभी तक हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में पढ़े क्या कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में पढ़े फर्स्ट ऑर्डर अब हम क्या प्रेशर प्रेशर के अच्छा जब रिएक्शन गैसियस स्टेट में होगी तो हम प्रेशर के टर्म में निकालेंगे ओके अब हम प्रेशर के टर्म मान लेते हैं ए मान लेते हैं इनिशियल लेट पी आई बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए ए का इनिशियल प्रेशर पी आई है पीटी टोटल प्रेशर एट द टाइम टी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सच रिएक्शन कैन बी डिराइव्ड एज टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू जितने भी उसमें होंगे कंपोनेंट पी ए प्लस पी बी प्लस सी यही तो होगा तो वही तो लिखा है कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट देखते हैं हम आगे एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन है ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी पूरी एनसीआर एक एक लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक है आपको बोर्ड के लिए बहुत हेल्प होगा देखते हैं लेट

अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें पी आई प्लस एक्स वेयर अच्छा X क्या X की वैल्यू यहां से क्या निकलेंगे पी टी माइनस पी आई एक्स मतलब जितना प्रेशर डिक्रीज हुआ जितना प्रेशर डिक्रीज हुआ आफ्टर सम टाइम यहां से पी आ, यहां से हम अगर पी ए निकाल लें तो 2 पी आई माइनस पी टी इक्वेशन निकाले थे के के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री था होल में क्या था लॉग of पी आई Log of PI upon PA, यही तो था बस वहां कंसेंट्रेशन के टर्म था यहाँ प्रेशर के टर्म पी आई इनिशियल प्रेशर मतलब जो प्रेशर ए का है ए कंपोनेंट का ये वैल्यू के आगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टू लॉग इनिशियल अपॉन टू पी आई माइनस टी ये इक्वेशन आपको लोग ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अगर पूछ लिया कि राइट डाउन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर मतलब अंड गैसियर तो आपको ये इक्वेशन डिराइव करना होगा अगर डेरिवेशन होगा तो आप डेरिव करिए अगर एक नंबर का केवल फॉर्मुला पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है देखते हैं क्या न्यूमेरिकल इसमें इसमें न्यूमेरिकल क्या है न्यूमेरिकल की वैल्यू इस पे देखिए क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा वर ऑबटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डी ऑफ एन टू ओ एन टू ओ फाइव एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अच्छा कोई रिएक्शन है एन टू ओ फाइव टू एंड टू ओ फोर प्लस ओ टू बना है मान लेते हैं टाइम जीरो सेकेंड पे टोटल प्रेशर की वैल्यू जीरो निकालना क्या है पहले देख लीजिए रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू क्या निकालना है के की वैल्यू अभी तो बताए के इज इक्वल टू क्या होता है लॉग के की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे अच्छा इसका सॉल्व देखते हैं पहले तो रिएक्शन रिएक्शन लिखते हैं क्यों सी पता चले क्या डिक्रीज हो रहा? कितना डिक्रीज हो हो रहा रहा कितना मान लेते लेट जीरो जीरो पॉइंट माइनस टू एक्स क्योंकि टू मोल था एक्स इंटू टू टू एक्स जितना यहां से निकलेगा उतना प्रेशर यहाँ जाएगा प्रोडक्ट में मतलब भाई यहां से जितना रिलीज होगा उतना प्रोडक्ट में बनेगा तो 2x x बनेगा क्यों यहाँ पे x है क्योंकि एक मोल है यहाँ पे 2x क्योंकि होंगे 2x है अब इस टोटल मोल हमको लिखना हो तो एट टाइम टी पे तो pt बराबर इसका प्रेशर इसका इसका स्पीड n2of 0.5 जीरो पॉइंट फाइव प्लस एक्स यहां से एक्स निकाल लेंगे तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारा पीटी में से टोटल में से अगर हम जीरो पॉइंट फाइव माइनस कर दें टोटल में से जीरो पॉइंट फाइव माइनस कर देंगे तो हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से एक्स की वैल्यू एक्स क्या था यहाँ पे टू एक्स टू एक्स की वैल्यू यहाँ से टी एट टी टाइम पे इसकी वैल्यू आ जाएगी टी टाइम हंड्रेड और एस इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट टोटल प्रेशर की वैल्यू जीरो पॉइंट वन फाइव टू है है तो तो से हमको P N, pressure of of की 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 वैल्यू वैल्यू निकल जाएगी जाएगी आ अब करेंगे जो अभी बताए थे के की वैल्यू अब तो हमको जब यहाँ टोटल प्रेशर की वैल्यू पता चल गई सॉरी प्रेशर ऑफ एन टू ओ फाइव का यहाँ के की वैल्यू रख देंगे थ्री जीरो मतलब पार्शियल प्रेशर इनिशियल क्या था और ए, एक एक कंपोनेंट का वैल्यू पुट कर दें दे की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या आ जाएगी की वैल्यू आ फोर पॉइंट नाइन एट इंटू टेन पर माइनस एट क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या यूनिट रेड कॉन्स्टेंट यूनिट क्या होती है इनवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्लीज नोट डाउन ये आ सकता है इस बार बोर्ड में तीन स्टार मान लीजिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन होता क्या पहले ये देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है Topic: half-life of the reaction. The half-life of a reaction is the time in which the con concentration of the reactant is reduced to one.

कंसंट्रेशन तो बताइएगा कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन के

फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ यहां से टी हाफ की वैल्यू जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गए ये टी हाफ की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए है किसके, किसके लिए है फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहां देखते हैं जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है किसके यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है तो हम लिख सकते हैं टी हाफ इज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल लेकिन यहाँ पे भी एक चीज देखने वाली है कि जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट पे मतलब एक चीज तो पता चल गया जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल चाहे जितना आप ले लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे टी हाफ नहीं इंडिपेंड करता किस पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन यही चीज बताना चाह रहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लीजिए आगे देखते हैं हम आगे हम बात करते हैं अच्छा अच्छा यही चीज एक्सप्लेन किया गया इस वाले पैराग्राफ में एनसीआरटी की लाइन है। इट ड इज कॉन्स्टेंट दैट इज इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइन करिए इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है रिएक्टिंग

हमारे पास क्वेश्चन है अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया सीधा सीधा टी हाफ अभी तो बताया टी हाफ इज इक्वल टू जीरो से हम पुट कर देंगे टी हाफ कैलकुलेट कर लेंगे यहां से क्या आया के की वैल्यू के की वैल्यू टी हाफ की वैल्यू आई 1.26 पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन पावर थर्टीन सेकेंड बहुत इजी क्वेश्चन था आ सकता है आपके बोर्ड में बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड बोर्ड एग्जाम ये बोर्ड एग्जाम के लिए सीरीज चल रही है आप लोग प्लीज अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट इज टेन टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बात को समझिएगा क्वेश्चन अच्छा है पूछा है कि नाइनटी 0.9 परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 10 टाइम्स हाफ ऑफ द टी हाफ निकालना है देख फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया है ना आर आर की वैल्यू आर नॉट अपॉन इतना की वैल्यू आ गई उसके 10 टाइम्स वाई तो जीरो पॉइंट दिया था ना तो यहां पे 99% मल्टीप्लाई तो यहां से हम टी की वैल्यू निकाल लिए टी की वैल्यू आगे सिक्स पॉइंट नाइन रिएक्शन क्या होता है इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन टी हा टी गई टेन यही हमारा आंसर था क्या आ गया टी अप की वैल्यू हमारी आ जाएगी टेन यही आंसर है नोट इट अब देखते हैं कुछ टेबल्स देख लेते हैं टेबल्स में जो अभी तक पढ़े हम क्या है टेबल बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले लगा दिया कैसे मान ले तो कोई रिएक्शन है आर से पी ऑर्डर क्या है जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट क्या लिख सकते हैं अच्छा में है क्या होगी या फिर मोल पर लाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इससे समराइज कर सकते हैं क्या चीज जो अभी हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा है इससे आप समराइज कर सकते हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के आर इंटीग्रेटेड में हम लिख सकते हैं पावर स्ट्रेट लाइन जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के बीच यही तो ग्राफ आ रहा था. 9, K, ये भी लिख सकते हैं टी हाफ के लिए और टाइम इसका सेकेंड इनवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लीज नोट इट इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समाइम अल्टर्ड बाई द कंडीशन अच्छा बहुत सही लाइन लिखा कभी कभी कुछ कंडीशंस की वजह से ऑर्डर क्या हो जाता Change हो है चेंज हो जाता है देयर आर मेनी रिएक्शन विच ऑवे फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ ऑल दो दे आर द हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कंडीशन के हिसाब से रेट ऑर्डर चेंज हो जाता है मान कुछ ऐसी भी ऑर्डर हैं जो फर्स्ट ऑर्डर होते हुए भी हायर ऑर्डर शो करते हैं example consider the hydrolysis of ethyl acetate in which is a chemical reaction between ethyl acetate and water in reality it is a second order reaction and concentration of both ethyl acetate and water affect the rate of the reaction but water is taken as large excess

कि अगर हमको मान लेते हैं सेकंड ऑर्डर का है लेकिन ये हायर ऑर्डर की जैसे इथाइल एसिटेट का वाटर का रिएक्शन अब इसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन वाटर क्या है एक्सेस में इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन यहां से लाइन अंडरलाइन करिए साथ साथ के द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मतलब चेंज ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन सो रिएक्शन बिहेव एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सच रिएक्शन आर कॉल्ड सुडो ऑर्डर रिएक्शन सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन

चेंज नहीं कर सकते इतनी चीज क्लियर है तो पूछा जाएगा व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप बताइएगा कि ऐसी रिएक्शन जो लगता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रीजन क्या बताएंगे अगर वाटर है तो वाटर क्या है एक्सेस में और एक्सेस ऑफ वाटर ड नॉट एफेक्ट द रिएक्शन एक्सेस ऑफ वॉटर ड नॉट एफेक्ट द रिएक्शन आगे बात करते हैं

इसका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मतलब केमिकल काइनेटिक्स जब लाइन लाइन बाय खत्म हो का आपको इंटेक्स क्वेश्चन पूरा करवाया जाएगा फिर भी आप लोग इस इन दोनों को कमेंट में बताइएगा इस वाले इक्वेशन को कमेंट में आप बताइएगा करके इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर ठीक है आज के लिए हम बस यही देखें कि जीरो ऑर्डर और, और फर्स्ट ऑर्डर क्या रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट लॉ पढ़ाएंगे तक के लिए थैंक यू और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को इस वीडियो से आप लोग का हेल्प मिलेगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो आपको बोर्ड में मदद कर रहे हैं थैंक यू